अच्छा बच्चों, हमने 2.3 एक्सरसाइज से हमने क्या सीखा लास्ट क्वेश्चन से? क्या सीखा? फैक्टर निकालना। फैक्टर कब बनेगा? हाँ, अगर रिमाइंडर जीरो है तो फैक्टर बनेगा, और अगर रिमाइंडर जीरो नहीं है तो फैक्टर नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स, ठीक है, और मान लीजिए किसी पॉइंट के ऊपर, कोई भी पॉइंट दे सकते हैं, अगर इस पॉइंट के ऊपर अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई? जीरो आ गई, ठीक है, तो जिसकी वजह से ये जीरो बना है, इसको इधर ले आओ, वन प्लस का इधर आके माइनस का, जो ये वाली वैल्यू है ये क्या बनेगी? फैक्टर बनेगी किसका? पी एक्स का। हमने देखो पिछले क्वेश्चन में यही तो किया है, एक्स इक्वल टू माइनस 7/3 था, देखो इधर ध्यान से, एक्स इक्वल टू माइनस 7/3 था, ये अगर हमने इसमें पुट किया, अगर ये जीरो आ जाता तो फैक्टर कौन बनता? ये वाला बनता ना ऊपर 7+3x, ये वाला तो नहीं बनता, और 7+3x कहाँ से आता? जिसकी वजह से ये पॉलिनोमियल जीरो बनता, 3 को इधर लेके आते, 3x इक्वल टू माइनस 7 होता, फिर 7 को इधर लेके आते, 3x+7, ठीक है जी। तो जो नंबर दे रखा है उससे पॉलिनोमियल बनाइए इक्वल टू जीरो करके, अगर इस नंबर पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो है, यानी अगर इस नंबर के ऊपर अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो फैक्टर कौन बनेगा? इसको सोल्व करने के बाद, राइट हैंड साइड में जीरो करने के बाद वो फैक्टर बनेगा। जैसे इसमें है, अगर वन पे वैल्यू जीरो आ रही है तो वन को इस तरफ ले गया एक्स माइनस वन, तभी तो जीरो आएगा, तो फैक्टर कौन बनेगा? ये फैक्टर ही बनेगा, वन को इधर लाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो फैक्टर बनेगा पी एक्स। समझ में आ गया कि नहीं आया? अब 2.4 पे आ जाइए, ये आपकी सुनिए, ये थ्योरम आपकी, इस थ्योरम को हम बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। जो बीच में एक वर्ड यूज होगा फैक्टर थ्योरम, वो आपका यही वर्ड है। अगर कोई पॉलिनोमियल है किसी पॉइंट के ऊपर, अगर वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, उस पॉइंट को एक्स में से माइनस कर दीजिए, वो क्या बनेगा? फैक्टर बनेगा। समझ में आ गया? एक्सरसाइज 2.4 पे आइए, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1, पहले क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज एक्स प्लस 1 ए फैक्टर, यही बोला ना इन्होंने। तो पहले क्वेश्चन में पहला पार्ट देखिए, पॉलिनोमियल क्या दे रखा है आपके पास? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही है फैक्टर। आपने कौन सा उतारा है? एक्स प्लस 1 को। फैक्टर चेक करने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे इसको? पहले जीरो पुट करेंगे, यहां से वैल्यू किसकी निकालेंगे? एक्स की। और ये वैल्यू किसमें पुट करोगे? पॉलिनोमियल। अगर ये वैल्यू करने से पॉलिनोमियल जीरो बन गया फिर तो फैक्टर है, वरना पुट करके देखिए, पी ऑफ माइनस 1 यहां पर रखिए, माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1, ऐसे आएगा। माइनस 1 की पावर 3 क्या होगी? माइनस 1 की 3 बार मल्टीप्लाई, माइनस 1
माइनस वन की पावर टू क्या हो जाएगी, वन प्लस इंटू माइनस माइनस वन प्लस वन, तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन पे वैल्यू जीरो आ गई, तो फैक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, तत्काल तो यस एक्स प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये तो आपको वही क्वेश्चन है जो आपने 2.3 में लास्ट वाला क्वेश्चन किया था, सेम है ना। सेकंड थर्ड फोर्थ में से बताइए कौन सा करवाना है, फोर्थ आपने चेक यही करना है कि ये फैक्टर बनेगा या नहीं बनेगा। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में आपका पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट टू इंटू एक्स प्लस का रूट टू, यही है ना। तो जी x प्लस वन ही चेक करना है, फैक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, जीरो को करें x की वैल्यू माइनस वन किस में रखेंगे, पॉलिनोमियल में, तो p ऑफ माइनस वन रखिए माइनस वन की पावर थ्री, ठीक है जी, माइनस का साइन माइनस वन का स्क्वायर, फिर माइनस का साइन ब्रैकेट में टू प्लस रूट टू और इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन आएगा, एक्स की वैल्यू माइनस वन और प्लस रूट टू। तो चलिए कैलकुलेशन चेक करते हैं, माइनस वन की पावर थ्री क्या होती है, माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है, वन प्लस का है ना, लेकिन आगे क्या है माइनस वन लिखेंगे इसको, क्या माइनस वन टू माइनस प्लस, ये दोनों वाली क्या आएगी, टू भी प्लस का आएगा और रूट टू भी प्लस का आएगा, और यहाँ से लास्ट वाली टर्म प्लस का रूट टू, माइनस वन माइनस वन माइनस टू प्लस रूट टू प्लस रूट, वैसे ही आएगा माइनस टू से प्लस टू कैंसिल, रूट टू से रूट टू कैंसिल, क्यों, अरे ऐड हो रहे हैं, अपोजिट कैंसिल कब होते हैं, जब एक माइनस का हो रहा है प्लस का, रूट टू में रूट टू ऐड करना है, क्या आएगा अच्छा रूट टू में रूट टू ऐड किया तो आपके हिसाब से रूट फोर आएगा, और अगर रूट टू को हम रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे ये अच्छा दोनों जगह ऐड करेंगे तब भी रूट फोर, और मल्टीप्लाई करेंगे तब भी रूट फोर, अच्छा रूट एक्स प्लस रूट एक्स ठीक हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स कितना होता है, अच्छा ये आपको पता है कि एक्स प्लस एक्स टू एक्स होता है, एक्स थ्री क्या है रूट टू, रूट टू प्लस रूट टू क्या आएगा, टू रूट एक्स की जगह रूट टू लगाया तो इसको ऐड करने से डबल हो जाएगा, रूट फोर मत लिखना इसमें, ध्यान रखना इसका यहाँ पे, तो बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं इसमें भी, रूट टू प्लस रूट टू रूट फोर कर दे, टू प्लस टू फोर होते हैं, रूट टू प्लस रूट टू फोर नहीं होते, ठीक है ना, चाहे ऐड से देख लेना रूट टू की वैल्यू क्या आती है 1.41, जब रूट टू में रूट टू ऐड करेगा 1.41 प्लस 1.41 कितना आएगा 2.82 आएगा, लेकिन आपके हिसाब से तो रूट टू प्लस रूट टू रूट फोर होना चाहिए, फोर का रूट कितना होता है टू होता है, ये तो नहीं होता ना, तो गड़बड़ है ना आपके एडिशन में, तो आगे से ध्यान रखना कि रूट टू प्लस रूट टू रूट फोर नहीं करना, रूट टू में रूट टू ऐड करोगे तो क्या लिखोगे रूट टू का डबल, अच्छा ये आई है पी ऑफ माइनस वन, क्या ये जीरो आया, जीरो तो नहीं है ना, नॉट इक्वल टू जीरो, क्या ये फैक्टर बनेगा, नहीं, चलिए तो नो
x plus 1 is not a factor of px. समझ में आ गया? अब पहला क्वेश्चन हो जाएगा. ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए. यूज फैक्टर थ्योरम. फैक्टर थ्योरम कौन सी? जो आपकी अभी आपको करवाई है. आपने ये बताना है, देखो ये पॉलीनोमियल दे रखे हैं एक साइड में और एक साइड में जिससे आपको डिवाइड करना है जी एक्स. आपने ये बताना है कि जो जी एक्स है वो पी एक्स का फैक्टर बनेगा या, यही चेक करना ना. यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. क्या जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है या नहीं है? तो आपने क्या करना है, छोटे वाले को जीरो पुट करो, एक्स की वैल्यू निकालो और एक्स की वैल्यू किस में पुट करो, पी एक्स में. अगर जीरो आ गई तो फैक्टर बनेगा और वरना नहीं. बताइए कौन सा पार्ट करवाएं? एक पार्ट करवा देता हूँ. कर लोगे? तो पहले दो 2.3 कंप्लीट करनी है, 2.4 के पहले दो क्वेश्चन. समझ गए? जो प्रॉब्लम आएगी समझनी है, लेकिन कल आपकी कॉपी चेक करूँगा मैं, एग्जाम्पल्स में तो होनी चाहिए. तो हाँ, अगर एग्जाम्पल नहीं मिले तो पहले आपको एग्जाम्पल करने पड़ेंगे, होमवर्क नहीं होएगा फिर. ओके, और साथ में मैसेज भी जाएगा होमवर्क नोट का. ओके, चलिए आज के लिए इतना ही.